छिंदवाड़ा में भाजपा मंडल अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर अन्नदाताओं किसान से छल करने और झूठे ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर किसानों को गुमराह करने पर मामला दर्ज करने की मांग की। परासिया भाजपा मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर किसानों को ऋण माफी के नाम पर प्रमाण पत्र बांटने और गुमराह करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही भाजपा ने कमलनाथ पर धारा 420 लगाने की मांग की। भाजपा पगारा मंडल अध्यक्ष मनीष सोनू यादव ने आरोप लगाया कि कमलनाथ की सरकार ने किसानों के साथ छल करके ऋण माफी का प्रमाण पत्र दिया था, पर उन प्रमाण पत्रों को बैंक और सोसाइटी ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कई गरीब किसान डिफाल्टर सूची में आ गए और उनका ब्याज भी बढ़कर आने लगा। अब किसानों को 0% पर लोन नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान परेशान हो रहा है। भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने किसानों की इस हालत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बताया और उन पर मामला दर्ज करने की मांग की। ये कर्ज माफी का था, नहीं हुआ, पैसा मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है पैसा? 160 वाले। कितने का पैसा लोन था आपका? 1.5 लाख। विधानसभा के चुनाव में कमलनाथ जी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा किसानों को झूठा प्रलोभन देकर के किसान ऋण माफ़ी के नाम पर झूठे प्रमाण पत्र कमलनाथ जी ने बांटे हैं और जिसमें उनके हस्ताक्षर है, और आज की कंडीशनों पे ऐसे किसानों को सोसाइटी प्रबंधक के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि वे अपने जो भी ऋण उन्होंने सोसाइटी से लिया था उसको ला करके वापस जमा करें, और नहीं तो आपको डिफाल्टर श्रेणी में ला देंगे। और कई किसान डिफाल्टर की श्रेणी में आ भी चुके हैं, जिनको कि उनकी लिमिट के आधार पर कोई लोन नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि पूर्व में मध्य प्रदेश की सरकार जब रहती थी तो उनको 0% का लोन दिया जाता था, और अभी वर्तमान में ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि 0% में ब्याज 0% के ब्याज पर उन लोगों को लोन दिया जाता है। किंतु कमलनाथ जी ने हमारे मध्य प्रदेश के अनेकों किसानों के साथ मिलकर के धोखाधड़ी का काम किया है। इसके एवज में हमने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।